अपनो ब्रह्म सृष्टि के देव बताइए वतन अपनो ब्रह्म सृष्टि के देव बताइए धाम की सुध में कर में आए वतन अपनो ब्रह्म सृष्टि के देव बताइए ब्रह्म सृष्टि के देव बताइए।
गुरु कीजिए, जो बतावे मूल अंकुर, आत्मार्थ लगा वही तब पिया वतन हजूर, तब पिया वतन हजूर। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बैजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। संत जी सुनियो रे प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण, शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्मगान का आस्वादन, एक स्वाद एक रस, एक रंग एक ढंग, एक व्यवस्था एक विचार, जिसमें हम लोग केंद्रित होकर के नित्य प्रति चल रहे हैं कि हम अपने धर्म के सिद्धांत में टिके रहें, अपने निष्ठा में लगे रहें, कहीं विचलित न हो। ठीक है, अन्य धर्म भी ठीक हैं, अन्य संप्रदाय भी ठीक हैं, हम उनको भी आदर करते हैं, कदर करते हैं, मान सम्मान देते हैं, पर हमारी निष्ठा हमारी है, हमारी साधना हमारी है, हमारी भक्ति उत्कृष्ट भक्ति है, गोपी भाव की भक्ति है, इसलिए हम उसी में तल्लीन हैं, हमें और कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। जो मिला है उसी को सजाना, जो मिला है उसी को और बारंबार उसको स्मरण करना, और जो मिला है उसी में तृप्त रहना, क्योंकि इससे परे मिलने की कोई बात नहीं है। जो मिला सो मिला, अखंड धाम का ज्ञान मिला, अखंड भक्ति मिली, अखंड पद दर्शाने वाला श्री निज नाम महामंत्र मिला, और क्या चाहिए फिर। तो इसमें विशेष बात होती है अंकुर जगाने की। देखिए, हम लोग जमीन में बीज डालते हैं ना, सब नहीं उगते हैं, अंकुर जिसमें है वो उगता है, और कभी कभी जमीन पथरीला, पत्थरी पत्थर की भूमि हमको मिल गई, वहाँ अंकुर होने से भी बीज नहीं उगते हैं फिर, क्योंकि पथरीली भूमि है, उपजाऊ नहीं है वहाँ, वहाँ की मिट्टी में ये ऊर्जा नहीं है, उपजाऊ शक्ति नहीं है, खाद नहीं है, जल नहीं है, सूखी मिट्टी हो सकती है। तो देखिए कि जमीन अच्छी है, भूम भली भरतखंड की, जहाँ आई नींद नेचल, और सारी जिमी खारी, खारे जल मोहजल। श्री जी ने कहा भारत की भूमि उपजाऊ भूमि है, भूम भली भरतखंड की, भारतखंड की ये भूम जो धरती है सबसे भली है, विश्व में सबसे अच्छी धरती, पावन धरती, पवित्र धरती, धार्मिक धरती, धर्म से परिपूर्ण, तीर्थों से परिपूर्ण, भक्ति से परिपूर्ण ऐसी धरती है। धरती तो और भी है, और जगह भी लोग भक्ति करते हुए नजर आते हैं, पर हमारी भक्ति कालांतर से, जब से सृष्टि बने तब से हमारी भक्ति चल रही है। औरों की भक्ति की सीमा है 2000 वर्ष, 3000 वर्ष की सीमा है, तब से लोग भक्ति कर रहे हैं। हमारे पूर्वज तो जब से ऋषि काल से, जब से सृष्टि बनी तब से भक्ति की आ रहे हैं। इस भूमि में तपस्या कर करके, त्याग तपस्या करके उन्होंने इस भूमि को पावन बनाया है। तो ऐसी भूमि में हमारा जन्म हुआ, राज्य की कृपा, कि अन्य धरती पे हम जन्मे नहीं, क्योंकि मानव शरीर तो मिला पर कई अन्य भूमि में हम जन्म लेते तो ये धर्म नहीं मिलता, ये ज्ञान नहीं मिलता, ये भक्ति नहीं मिलती। आज भारत में हम जन्मे हैं,
जन्मभूमि ये भारत खंड है हमारे लिए, क्योंकि भारत नेपाल कहने से दोनों भारत खंड में ही आते हैं, जम्बूद्वीप भारत खंड के अंतर्गत आते हैं। तो यह हमारा जन्म हुआ, इसका मतलब क्या है कि हमारे पूर्व जन्म की तपस्या और परमात्मा की असीम कृपा से हम यह जन्मे हैं। बाकी विश्व में कई कई देश ऐसे हैं कि पूरे मांसाहारी देश हैं, कई कई देश ऐसे हैं मछली खाते हैं। ग्रीनलैंड करके एक देश है ना, बर्फ का देश, वहाँ लोग मछली खाते हैं, वहाँ कोई उपजाऊ नहीं है, बर्फ ही बर्फ है। समुद्र से मछलियाँ निकालते हैं खाते हैं, बाहर से सामान मंगाए। और कई कई प्रदेश ऐसे हैं कि मांसाहार ज़्यादा करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं। और कई कई धर्म में तो शराब से ही पूजा की जाती है, जैसे हम लोग जल चढ़ाते हैं ना, वो लोग शराब ऐसे छिड़कते हैं पवित्रता के लिए, देखिए। पर हम लोग जो करते हैं, हम लोग तो चंदन का सेंट छिड़कते हैं ना, तो उससे पवित्र वातावरण पवित्र होने का हम लोग अनुभव करते हैं। पर वो लोग शराब छिड़क रहे हैं, हम लोग जबकि शराब को खराब मानते हैं, शराब को अल्कोहल समझते हैं, हम लोग नशा समझते हैं। तो ऐसे जगह हमारा जन्म होता तो उसी में रच पच जाते हैं, उसी को धर्म समझ करके हम लोग अनुकरण करते जाते हैं कि यही हमारा धर्म है, उसी में हम निष्ठा रखते। पर राज्य की कृपा, गुरु की कृपा, हमारी आत्मा का अंकुर कि हम ऐसी भूमि में आए कि यहाँ पर शुद्धता और पवित्रता पे ध्यान दिया जाता है, और ये धर्म भूमि है, भक्ति भूमि है, प्रेम भूमि है, साधना भूमि है, तपस्या की भूमि है, ऐसे भूमि में हमारा जन्म हुआ है। तो यहाँ जागने के लिए अंकुर को जगाना, ऐसी भूमि में अंकुर प्रस्फुटित हो जाते हैं। भूमि अच्छी है, धरती अच्छी है, तो बीज उगते हैं वहाँ पर, जैसे बीज लगाओ उग जाते हैं। तो हमें परम धाम का अंकुर, परम धाम का बीज जगाना है जो हमारे अंदर में है, क्योंकि हमारे अंदर परम धाम का अंकुर है। इसका पूरा पता हमको कब चलता है, हम गुरु के शरण में आए और गुरु ने स्वीकार कर लिया, हमारी आत्मा को परख लिया, जैसे धनी श्री देवचंद जी महाराज परखते थे ना, ऐसे ही गुरुदेव ने हमें परख लिया। और हमें ये भक्ति साधना आत्मा से अच्छी लगती है, केवल दिखाने के लिए नहीं, बार बार से नहीं है। ऐसे तो देखिए कितने लोग हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, कभी कभार मंदिर भी आते हैं, पर अंकुर प्रस्फुटित नहीं है। तो उस निष्ठा से, उस प्रेम से, उस भावना से नहीं आते, बस एक फॉर्मालिटी के लिए, जन्माष्टमी है मंदिर जाना है, होली है मंदिर जाना है, कोई पावन पर्व है मंदिर जाना है, ये हिसाब से लोग आते हैं, चढ़ाते भी हैं, झुकते भी हैं, प्रणाम भी करते हैं। पर आप जो करते हैं उसमें एक निष्ठा है, एक राज्य की पहचान है, परब्रह्म की पहचान, हम उनकी अंगना, वो हमारे स्वामी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिन और न जानो बात, इसकसों सेवा करूं सब अंगों साक्षात, ये बात कुछ निराली होती है। और यही निराली बात और यही निराला रंग ढंग हम लोग पालन करते आ रहे हैं, और चर्चा के माध्यम से इसका विश्लेषण भी करते हैं। तो देखिए श्री जी महाराज तो वेदांतियों के बीच बैठे तो उठते ही नहीं है, कई कई प्रकरण प्रकट कर डाले वेदांतियों से चर्चा करते हुए प्राणनाथ जी ने। तो हम लोग चर्चा के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, किरंतन के माध्यम से सुन ही रहे हैं, और ऑनलाइन हम लोग सुनाने के लिए प्रणामी मीडिया से हम लोग प्रयास करते हैं। पर प्रणामी मीडिया से उन मेलों को भी हम लोग दिखाते हैं जहाँ 108 पारायण होते हैं, भव्य मेले होते हैं, अच्छे कार्यक्रम होते हैं, तीर्थों में कुछ कार्यक्रम होते हैं कुछ विशेष, तो उसको भी हम लोग ऑनलाइन दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। तो कल तक हम लोगों का मदारी हाट में 108 पारायण चल रहा था,
भव्य रूप से डुअर्स के सुंदर साथ में 108 पारायण सजाया। नेपाल से, सिक्किम से, बंगाल से, आसाम से और कई प्रांतों से सुंदर साथ वहाँ पर आए। 7 दिन का बहुत बड़ा उत्सव था। जो वहाँ पहुँच सके पहुँच सके, नहीं पहुँच सके तो उनके लिए घर घर में पहुँचाने के लिए हम लोगों ने प्रणामी मीडिया के द्वारा प्रयास किया कि सुबह 7 बजे उनको घर घर में वाणी चर्चा भी पहुँचे और वहाँ के सुंदर साथ के दर्शन भी हों, 108 पारायण के दर्शन करने का भी मौका मिले, शोभा यात्रा का दर्शन करने का मिले। शोभा यात्रा में नहीं पहुँच सके तो भी एक आत्मीय रूप से उस शोभा यात्रा का दृश्य दिखता है तो आप भी जुड़ सकते हैं, सभी जुड़ सकते हैं। ये प्रयास हम लोगों का जारी है। तो देखिए, जिस दिन कहीं कोई मेला नहीं होता है तो वाणी चर्चा तो करते ही है, नित्य नियम से करते हैं। तो राग रामकली, ये गाने का एक राग का नाम है रामकली, इस राग में इस प्रकरण को रचा गया है। संत जी सुनियो रे, जो कोई हंस परम, श्री जी महाराज उन वेदांतियों से, संतों से, परम हंसों से पूछ रहे हैं, कहते हैं आप लोग सुनो, जितने भी आप मेरे पास आए हुए हैं मेरी बात भी सुनो। पहले तो उनकी बात सुनते हैं, उनका गम कहाँ तक है, पहुँच कहाँ तक है पता लगा लेते हैं श्री जी महाराज, फिर अपनी बात करते हैं। और उन्होंने जो कुछ कहा, कुछ कुछ अंश श्री जी ने वाणी में डाला कि कोई ऐसा बोलता है, कोई ऐसा बोलता है, कोई ऐसा करता है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये उनकी बातें हैं। पर श्री जी जो जवाब देते हैं उसका, जैसे कहा ना, माम तसो गुरु कीजिए, जो बतावे मूला अंकुर, आत्म अर्थ लगा वहीं तब पिया वतन हजूर, ये श्री जी की बात है। श्री जी उनको जवाब दे रहे हैं कि हर चीज़ का आत्मपरक अर्थ करो और ऐसे गुरु करो कि मूल अंकुर बताए, आपका मूल अंकुर कहाँ का है वो बता दे, और आत्मा अर्थ लगा करके परमात्मा के करीब आपको पहुँचा दे, परमात्मा के हजूर मतलब बिल्कुल सामने पहुँचा दे। तो ये श्री जी का जवाब है। आज कहते हैं कि हे संतों, आप सुनो, मेरी बात को सुनो। जो कोई अपने आप को परमहंस कहते हैं ना, क्योंकि ये परमहंस जो है, जो त्यागी तपस्वी साधक संयमी भजनानंदी जो होते हैं उनको परमहंस कहा जाता है, मतलब एक पदवी है, वो उनको पदवी से सुशोभित किया जाता है परमहंस। आप परमहंस हो गए, दुनिया से आपका लेना देना कुछ रहा नहीं, अब केवल धर्म के लिए आप काम करते हैं, केवल समाज के लिए या आत्म कल्याण के लिए आप कार्य करते हैं, तो उसको परमहंस कहा जाता है। तो हिंदू समाज में बहुत सारे संप्रदाय में परमहंस होते हैं और हमारी प्रणामी परंपरा में भी परमहंस की प्रथा है। 12 परमहंस पीठ कहा जाता है ना, तो ऐसे परमहंस के पहुँचे हुए महापुरुषों की मान्यता की परंपरा है, तो ऐसे पहुँचे हुए परमहंस भी वहाँ पर आए हुए थे। मैं पूछता हूँ पर आत्मा, श्री जी ने कहा कि आपसे मैं पर आत्मा के विषय में पूछ रहा हूँ कि परमात्मा के चरणों में जो आत्मा बैठी है वो तो पर आत्मा है, और आज इस शरीर में जो बैठी है वो आत्मा है, इस शरीर में जो सुरता है, चेतना है, उसको आत्मा कहते हैं ना। परमात्मा के चरणों में भी बैठी हुई है वो पर आत्मा है, परे से परे की आत्मा होने से पर आत्मा उसको कहा जाता है, श्रेष्ठ आत्मा होने से भी पर आत्मा करके कहा जाता है। तो बहुत से लोगों को पर आत्मा का ख्याल नहीं आता है, पर आत्मा की शुद्धि नहीं होती है कि पर आत्मा भी है कुछ। ये तो प्राणनाथ जी ने पर आत्मा शब्द तो भागवत में भी है, पर उसकी व्याख्या वहाँ नहीं हुई, विश्लेषण वहाँ नहीं हुआ, उसकी व्याख्या श्री जी ने की कि परमात्मा के चरणों में जो बैठी है वो सब कुछ छोड़ करके आती नहीं है संसार में, केवल उनकी सुरता आती है। सत्य स्वरूप पर आत्म हमारो, वासना इस संसार, ना हम आए ना हमें जाना है या सुपन बाजार। कितना सुंदर हमारे संतों ने शब्दावली दी कि सत्य स्वरूप पर आत्मा हमारा परमधाम में बैठा हुआ है, और वासना मतलब सुरता, वो उस वहाँ की सुरता संसार में आई और देह धारण किया। ना हम आए ना हमें जाना, पर आत्म को जगाना है, नींद में से जागना है, आना जाना कुछ नहीं है,
हम नींद में स्वप्न देखने हैं ना, स्वप्न से जागना है, आना जाना क्या है? बिस्तर के बिस्तर में, जब सोए बिस्तर में, जब जागेंगे तब भी बिस्तर में, पर स्वप्न में कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं ना, दूर दूर। कभी कभी तो कुछ लोगों से लड़ भी लेते हैं स्वप्न में, दिन में लड़ने को नहीं मिलता है ना, तो मन स्वप्न में लड़ा देता है, झगड़ा करा देता है स्वप्न में, मन टेंशन में होते हैं नींद में। जब जाग आती है तो ऐसी टेंशन सता रही होती है ना, अरे कोई झगड़ा भी नहीं था परंतु इतनी टेंशन मेरे को कहाँ से हुई। और कभी कभी स्वप्न में क्या होता है कि जो दिन में खाने को नहीं मिलता है ना, तो मन स्वप्न में खिला देता है। दिन में आप रसगुल्ला नहीं खा सके, आजकल ठंडी के दिनों में वो गुड़ का रसगुल्ला लोग पसंद करते हैं ना, दिन में नहीं मिला तो मन रात को स्वप्न में खिला देता है, कोई बांट रहा है आप खा रहे हैं। जागो तो कुछ नहीं, ना आपने खाया ना कुछ, एक काल्पनिक दृश्य आपके जो है मन में स्वप्न के रूप में आया, उसी से आप सुखी भी हुए, दुखी भी हुए, प्रसन्न भी हुए और नाराज भी हुए। देखिए स्वप्न कई कई रीत के आते हैं ना, कभी कभी ऐसे स्वप्न आते हैं कि गाड़ी छूट रही है, आप चढ़ नहीं पा रहे हैं, दौड़ दौड़ करके रेलवे स्टेशन पहुंचे, देखते देखते गाड़ी छूट गई, अरे निराश होते हैं, ये क्या हुआ, तब जाग आती है, ये तो कुछ भी नहीं था, ऐसे ही स्वप्न था, झूठा एक दृश्य था, मन की कल्पना थी, पर हम उसी में परेशान हो गए, पसीना पसीना भी हो जाते हैं। तो देखिए कि ये सब क्या है, कि स्वप्न की लीला है और स्वप्नवत होता है। ऐसे ही आज जो हम संसार में कर रहे हैं ना, ये लंबा स्वप्न है, किसी का स्वप्न तो 100 साल चल जाता है, 100 साल जीते हैं ना। अभी हम मदारी हाट में थे ना, तो एक माताजी को लेकर के आए व्हील चेयर में, 102 साल की। तो मैं तो मंच पे था, तो मैंने और हमारे जो संत हैं उनको कहा कि माताजी को साल उड़ा करके आइए, नीचे जा करके उड़ाने गए तो माताजी मानी नहीं, मुझे ही जाना पड़ा, बोलते हम उनके हाथ से ही उड़ेंगे। हम घर से चल करके आए हैं तो मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के हाथ से उड़ने के लिए, और उड़ाएं नहीं, मुझे नहीं चलेगा, उन्हीं को बुलाओ। तो मैं फट से उतर करके चला गया, 102 साल की माताजी, उनके दर्शन भी हुए, उड़ा दिया, चंदन लगा दिया, खुश हो गई, बोलती है मेरी इच्छा पूरी हो गई। देखिए क्योंकि मेरे को याद करने का अर्थ है गुरुजी मंगलदास जी को याद करना, क्योंकि हम उनके चरणों में रहे, उनके उस धाम का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए सबकी आस्था है गुरुदेव के प्रति, मंगल धाम के प्रति। तो 102 साल का वो स्वप्न देख रही है ना, इतनी उम्र तो सबकी नहीं होती है, चाहते तो सब लोग हैं 100 साल जिए, अच्छा से स्वस्थ हो रहा करके 100 साल जिए, कितनी खुशी की बात है ना, पूरा पूरा हम जी करके जीने का अंदा हम पूरा लें, परंतु रोग बीच में ऐसे आ जाते हैं, शरीर को घेर लेते हैं, बाधाएं आती है, कमजोरी आती है, परेशानियां आती है, तो हम 100 साल पूरे नहीं कर पाते, उस रोग से लड़ नहीं सकते हैं, रोग से हारना पड़ता है, तो हमारी आयु काल छीन लेता है, ऐसी स्थिति होती है। तो जी ठीक है, अब कुछ कर नहीं सकते, जो अपने हाथ में नहीं है तो उसके लिए ज़्यादा सोच करके, ज़्यादा उसके लिए परेशान हो करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। जितना जीवन हमें राज्य ने दिया है, जितना जीने के लिए उन्होंने हमें अधिकार दिया, जितने श्वास दिए उतने श्वास तो हम लेंगे ही लेंगे, तो उतना लंबा हमारा स्वप्न होगा। किसी का 50-60 साल, किसी का और कम भी होता है, 70-80 साल सोचिए, वो स्वप्न देख रहा है, संसार को देख रहा है। जब परमधाम में जग जाता है तो उसको लगता है अरे ये सारा स्वप्न था, मैं मेरा मेरा करके, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा धन, पर सब स्वप्न का धन था, वो तो कुछ मेरा नहीं था, स्वप्न का लेन देन था। ऐसा अनुभव परमधाम जाने के बाद होता है, यहाँ का यहाँ नहीं होगा, यहाँ का यहाँ तो यही असली लगता है, यही सत्य लगता है, जो आज खेल देख रहे हैं यही सत्य लगता है,
परंतु जब परम धाम में जागेंगे तब लगेगा ये झूठा था, हम सत्य मान करके बैठे परंतु वो हमेशा का सत्य नहीं था। हमेशा का सत्य तो ये सच्चिद आनंद स्वरूप मेरा परम धाम ही है, मेरे श्री राज्य का परम धाम ही है, जहाँ पर हमेशा हमेशा अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड आनंद। तो अखंड आनंद पर आत्म अनुभव करती है, पर आत्म जो है ना, पर आत्मा कहते हैं ना, वो अनुभव करती है। संसार की आत्मा जाकर के पर आत्मा में समा जाती है, तो पर आत्मा से ही आत्मा निकल करके आई सुरता के रूप में, ये जाकर के वहीं समा जाती है, अपने मूल में जाकर के समा जाती है। तो उसको क्या है, पर आत्म की जागनी कहा जाता है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, मैं पूछता हूँ पर आत्मा, पर आत्मा के विषय में मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कुछ प्रकाश डालें। मेरा भानो यही भ्रम, मेरे मन में एक भ्रम आ गया, भ्रम तो नहीं है ये, वास्तविकता है, पर लोगों को श्री जी महाराज कह रहे हैं कि भ्रम सा एक पैदा हो गया, आप लोग निवारण करो। श्री जी देखते हैं कि ये लोग कैसे निवारण करेंगे, निवारण करने के लिए इनके पास ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, मंत्र कौन सा है, तत्व क्या है, समझाएं तो सही। इसके लिए कहते हैं कि इस भ्रम को आप दूर करो। जिन जानो विवादे पूछे, फिर कहते हैं ऐसा न सोचो कि आपसे वाद विवाद करने के लिए हम पूछ रहे हैं। कई कई लोग विवाद बढ़ाने के लिए पूछते हैं ना, प्रश्न पूछते हैं, फिर जिद करते हैं ज़्यादा, है ना, खींचातानी करते हैं, तर्क करते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं हम तर्क के लिए नहीं पूछ रहे हैं, हमको कोई विवाद नहीं करना है आपसे, आपको परेशानी में नहीं डालना है। कहते हैं मैं जिज्ञासु करो खोज, हम जिज्ञासु, जिज्ञासु बन करके जानने की इच्छा कि आपकी पहुंच कहाँ तक है, आपका ज्ञान कितना गहरा है, ये जानने के लिए एक जिज्ञासा। आप लोग आए चल करके तो मेरे मन में जिज्ञासा हो गई, इसलिए उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, जिज्ञासा को क्या है कि साकार करने के लिए हम आपसे पूछ रहे हैं और खोज कर रहे हैं। जो लों धोखा ना मिटे, कहते हैं अरे संतों, अरे ज्ञानियों, जब तक मन में धोखा है ना, ये सच की वो सच, सच क्या है, ये मन में धोखा होता है ना कभी कभी, और हम लोग भटकते रहते हैं, धोखा खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं, सत्य का पता नहीं लगता। तो श्री जी कहते हैं जब तक धोखा नहीं मिटेगा कि यही सच है, इससे परे कोई सच नहीं है, जो हमने पाया निजना महामंत्र यही सच है, इससे परे कुछ नहीं, ऐसा पूर्ण विश्वास होना चाहिए। अगर मन में धोखा है, निज नाम जपते हुए भी धोखा है मन में, पता नहीं काम बनेगा कि नहीं बनेगा, मेहर सागर पाठ करते हुए काम बनना न बनना हमारा आदे, हमारा आग्रह है प्रार्थना करना, देना न देना ऊपर वाले के हाथ में है। जैसे बच्चों का आग्रह है कि अच्छे नंबर से पास करें, कितना मार्क्स देना वो बच्चों के हाथ में नहीं है, वो टीचर लोगों के हाथ में होता है, जो परीक्षक होते हैं, जो परीक्षा पत्र को देखते हैं, मार्क्स देते हैं, उनके हाथ में होता है। पर बच्चा क्या है कि बढ़िया से बढ़िया नंबर मिले इसके लिए तैयारी कर सकता है, इसी तरह हम लोग तैयारी कर सकते हैं, पर क्या है, सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, वो तो स्वयं परमात्मा ही जानते हैं। तो श्री जी महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो लो धोखा ना मिटे, वास्तविक सत्य क्या है, वास्तविक तत्व क्या है, ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, जाने बिना धोखा तो मिटता नहीं है। तो कहते हैं साधु तोलो न छूटे बोझ, ये संसार का बोझ तब तक नहीं छूटेगा जब तक परम धाम का पता नहीं होगा, संसार का बोझ ढोए चलते रहेंगे, यही सत्य है। ऐसा करके माया का बोझ ढोए 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 चलते रहते हैं। कई कई माताएं होती है ना, घर का काम करते रहते बोझ ढोए रहती है, बहू आती है तो भी सास किचन में जाकर के काम करते रहती है, तो बहू भी समझ जाती है अरे कर रही है माताजी तो करने दिया जाए, ऐसा करके। तो फिर और
ज़्यादा उम्र होने के बाद भी घर में झाड़ू पोछा करते रहते, साफ सफाई करते रहते, वही बोझ ढोए रहती है। पर जब ज्ञान होता है ना, तब वो देखती है ठीक है, शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए कुछ तो करना चाहिए, पर ज़्यादा समय भजन भक्ति में, सेवा सुमिरन में, आत्मकल्याण में लगाना चाहिए। क्योंकि संसार में जितने भी आप फंसे रहो, ये तो एक बंधन है, बंधन के ऊपर बंधन बनते जाएंगे, आत्मा तो नहीं तरेगी। आत्मा को भी तो तारना है, आत्मा को भी तो परम पद में पहुंचाना है, मोक्ष पद में उसको भी पहुंचाना है। इसलिए हमें तो भजन और साधना के द्वारा परम धाम जाने की तैयारी करनी है, केवल इस झूठे संसार में बंधे नहीं रहना है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, मन के बोझ को उतारो, जीवन के बोझ को उतारो। क्योंकि ये ज्ञान क्यों, ज्ञान इसीलिए कि अनावश्यक बोझ को कम कर दिया जाए। आवश्यक चीज़ें तो ले करके चलना चाहिए, पर अनावश्यक बोझ भी कभी कभी हम लोग ढो लेते हैं ना, अनावश्यक सामान भी घर में भर के हम लोग रखते हैं, कभी यूज ही नहीं होता है। दिवाली में लोग सफाई करते हैं ना, घर की दुकान की लोग सफाई करते हैं, तो कितने अनावश्यक चीज़ें होती है। कुछ लोग तो बांट बूंट देते हैं, चलो गरीबों को बांट दें, कपड़े भी काम आ जाएगा, बर्तन भी काम आ जाएंगे गरीबों। कुछ लोग फिर साफ सफाई करके फिर से धर देते हैं, फिर एक साल के बाद फिर निकालो, फिर सफाई करो, अरे कभी काम आएगा नहीं। कई बर्तन ऐसे होते हैं उसमें हम खाते भी नहीं हैं, कभी कभी कुछ होता ही नहीं, पड़ा रहेगा। कई कपड़े ऐसे होते हैं कभी हम पहनते ही नहीं हैं, ठंडी आने से भी हम लोग प्रयोग ही नहीं करते, पड़ा है। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो किसी गरीब को दे दिया जाए, वो भी ठंडी में स्वेटर डालेगा, वस्त्र पहनेगा, क्योंकि ज़रूरतमंद लोग भी तो काफ़ी है, और वो भी हमारे ही देशवासी हैं, हमारे ही नागरिक हैं, हमारे ही बंधु बांधव हैं। तो इसलिए ज़रूरत की चीज़ हम रखें और भक्ति में ज़्यादा मन लगाएं, घर में भी ज़रूरत का काम करें, ज़रूरत की जिम्मेदारी हम निभाएं, ज़्यादा समय भक्ति में लगाएं, पूजा पाठ में लगाएं। और आप लोग सिलीगुड़ी के सुंदर साथ भाग्यशाली हैं, माताओं को भाग्यशाली मैं मानता हूँ कि आप लोग समय निकाल करके इस भक्ति सागर में डूबने के लिए आप लोग आती हैं। ये आप लोगों का अमूल्य समय है, जब तक शरीर साथ दे चलते रहना चाहिए और इस साधना में लगे रहना चाहिए, ताकि हम अपने लक्ष्य से, अपने सिद्धांत से, अपनी परंपरा से वंचित न हो, अपनी निष्ठा से वंचित न हो। यही आज की इस चर्चा का सार है। प्रकरण चलता ही रहेगा और चर्चा होती रहेगी। हम जहाँ भी जाते हैं कोशिश करते हैं सुबह 7 बजे कुछ ना कुछ चर्चा का अंश दिखा दिया जाए, तो ये चलता रहेगा। और आप लोग तो मंदिर के करीब हैं, तो आएँ, रोज़ चर्चा में बैठें, भक्ति भाव में लगे रहें और समय को साकार करें। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को विराम दे रहे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, जीना जानो विवादे पूछे, मैं जिज्ञासु करूं खोज, जो लो धोखा ना मिटे, साधो तो लो न छूटे बोझ, साधो तो लो न छूटे बोझ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, प्रणाम। Yeah.
Yeah.